हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट की, जो कि आप में से कुछ लोग यूज़ करते भी होंगे, कुछ इसके बारे में जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, जिसका नाम है मूवमेंट एनालिसिस एंड एजिंग रिपोर्ट ऑफ द स्टॉक आइटम। ओके, तो स्टॉक इस रिपोर्ट में होता क्या है कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम, पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप, पर्टिकुलर पार्टी को आप उसकी मूवमेंट एनालिसिस को ट्रैक कर सकते हैं कि एक आइटम को हमने किस किस को सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, क्या क्या किया है। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है और पर्टिकुलर आइटम को आप ट्रैक कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप अपने सप्लायर या बायर को आप ट्रैक कर सकते हैं कि इससे हमने कौन से आइटम कितनी कितनी खरीदी हैं, क्या क्या खरीदी हैं, कैसे कैसे खरीदी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रिपोर्ट को आप ज़रूर ज़रूर यूज़ करिए अगर आप टैली यूजर हैं। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने ये रिपोर्ट देखनी है। ओके, और आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये अब हम आ गए हैं टैली की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने इसको यूज़ करना है। आपने अपनी कंपनी को लॉगिन करके आपने जाना है डिस्प्ले में आप जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपने जाना है इन्वेंट्री बुक में। सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, मूवमेंट एनालिसिस एंड एजिंग एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट एनालिसिस की। मूवमेंट एनालिसिस पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि किस तरह से आपको एनालाइज करना है स्टॉक आइटम को, किस तरह से एनालाइज करना है, स्टॉक ग्रुप का एनालाइज करना है, स्टॉक ग्रुप वाइज एनालिसिस करना है, या स्टॉक आइटम पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम वाइज एनालिसिस करना है, या डाटर वाइज जो आपके सनी डाटर्स या क्रेडिटर वाइज उसके अकॉर्डिंग आपने एनालाइज करना है, पर्टिकुलर लेजर के अकॉर्डिंग आपने इसको एनालाइज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले जाता हूँ एक लेजर एनालिसिस में मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये कंपनी है मेरी, ये मेरी पार्टी है और ये मेरी पार्टी है, तो इसको मेरे को एनालाइज करना है। तो इसमें कोई डाटा नहीं है, मैं दूसरी पार्टी ले लेता हूँ। ये देखिए ये पार्टी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बताएगा कि कौन सी आइटम क्या क्या आपने इस पर्टिकुलर पार्टी से, इस पर्टिकुलर डेटर या क्रेडिटर से आपने सेल किया है या परचेज किया है। ओके, कितना आइटम किया है, क्या उसका इफेक्टिव रेट है और क्या उसकी वैल्यू है। इस तरह से आपको जितने भी आइटम्स इस पर्टिकुलर पार्टी को आपने सेल किए होंगे या इससे परचेज किए होंगे उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसको भी अगर आप ड्रिल डाउन में इसको एंटर करेंगे तो आपको और मीन्स बिल वाइज आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, बिल वाइज आपको डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे आपको देखेंगे क्वांटिटी है, बेसिक रेट है, बेसिक वैल्यू, एडिशनल कॉस्ट अगर आपने यहाँ पे लगाई है, इफेक्टिव रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सेम एज अब मैं चलता हूँ आपको ले जाता हूँ स्टॉक आइटम एनालिसिस। तो मैं स्टॉक आइटम एनालिसिस पे चलता हूँ। स्टॉक आइटम मैंने चूज किया, अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये स्टॉक आइटम मैंने कहाँ कहाँ से ख़रीदा है, किस किस को मैंने इसको बेचा है, कितने कितने रेट में बेचा है और कितनी क्वांटिटी टोटल मैंने बेची है, किसको कितनी क्वांटिटी बेची है। तो इसको नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं स्टॉक एनालिसिस को आइटम वाइज सेल एंड परचेज। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ। तो पर्टिकुलर उस पर अगर हम एंटर मारेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे तो बिल वाइज मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरह से, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं, लेजर ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं एंड स्टॉक आइटम का ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको दूसरे ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, एजिंग एनालिसिस। आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी आपको कि जैसे कि आपके पास बहुत स्टॉकिंग होती है, कुछ पुराना भी आपके पास गुड्स होता है, कुछ नया भी आपके पास गुड्स होता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी का पुराना है, कितनी क्वांटिटी का नया है। लेकिन एजिंग एनालिसिस में इजीली आपको पता लगेगा कि ये आइटम आपका पुराना आइटम आपके पास कितना पड़ा हुआ है, नया आइटम आपके पास कितना पड़ा हुआ है। तो बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट्स है जो कि आपके यूज में आ सकती है। तो ये देखिए मैं इसको ग्रुप में ले जाता हूँ कि मेरी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स में कुछ एंट्री नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल में ले गया आपको। तो यहाँ पे देखिए टोटल मेरे को बता रहा है कि टोटल आपके पास इस ग्रुप के अंदर इतनी आइटम्स पड़ी हुई हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, माइनस में है या प्लस में है, और वो कितने दिन के अंदर की है, जो कि कितने मीन्स आपको एजिंग एनालिसिस दे रहा है कि लेस देन 30 डेज, लेस देन 40 डेज। यहाँ पे इसको आप खुद सेट भी कर सकते हैं।
एजिंग पीरियड आप खुद सेट कर सकते हैं इसका, कि ये कैसे कैसे आपको सेट करना है, 45 दिन है, 90 दिन है, 180 दिन है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है, 10 दिन 20 दिन, तो यहाँ पे 10 दिन आपने डाल दिया, यहाँ पे आपने 10 से 20 दिन डाल दिया, और मोर 20 डेज टू मोर दिन आपने यहाँ पे डाल दिया। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि सारी आइटम जो हैं ये आपकी 10 दिन से नीचे की हैं, जो कि आपकी माइनस में ये आइटम आपने सेल की हैं। ऐसे ही आप परचेज भी, पहले मैं इसकी परचेज करूँगा फिर उनको सेल करूँगा, तो इजीली आपको बताएगा कौन से आइटम कैसे कैसी हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन आपको बताएगा, यहाँ पे अमाउंट अगर आप हायर करना चाहते हैं अमाउंट हायर कर सकते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट है दोस्तों, आप इसको यूज़ करिए। अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स को आपको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज आप टैली यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, तो आप इसको देखिए, और भी मैं आपके लिए इस तरह की रिपोर्ट्स लेके आऊँगा कि किस तरह से आप कौन कौन सी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होती हैं आपके लिए और उनका कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों।